उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। इस चैनल पर देखेंगे कि अभी बिहार में उपचुनाव हो रहा था दो सीटों पर। ये दोनों सीट जदयू के खाते में था, जदयू के ही खाते में वर्तमान समय में फिर भी गया है, लेकिन बहुत कम के अंतर से गया है। यानी यदि सरकार विकास करती तो इस तरह का कंडीशन नहीं आता। चुनाव में सब कुछ अजमाने के बाद, अर्थात साम दाम दंड भेद सब अपनाने के बाद जदयू ने चुनाव जीत लिया है। फिर भी मैं चुने हुए प्रत्याशी को या जिन्होंने चुनाव जीता है राजीव कुमार सिंह, उनको भी बधाई देना चाहूंगा, और अमन भूषण हजारी उनको भी, ये कुशेश्वर स्थान से जीते हैं और तारापुर से राजीव सिंह जीते हैं, इन दोनों को बहुत बहुत बधाई। और आपसे बता दें, ये दोनों प्रत्याशी ने बहुत कड़े की टक्कर दिया, इसलिए इनको भी बधाई। और आम जनता ने जो इन लोगों को, सरकार को ये एक सबक सिखाया, यानी कि आपके विकास से संतुष्ट नहीं है। यदि आपके विकास से संतुष्ट रहते तो आपका ये दोनों प्रत्याशी बहुत ही बड़े अंतराल से चुनाव जीतते। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आम जनता के लिए। सरकार को भी ये चाहिए कि आम जनता की आवाज को सुने और बिहार में डेवलपमेंट के काम के साथ साथ स्टूडेंट का भी कल्याण करें। स्टूडेंट का कल्याण इस मामला में कि 2014 की वैकेंसी, 2014 की वैकेंसी अभी तक फाइनल नहीं हो पाई है, अर्थात कहीं ना कहीं आम जनता में रोष है, आम पब्लिक में रोष है महंगाई को लेकर, और स्टूडेंट में जो अत्याचार सरकार के द्वारा किया जा रहा है उन सभी सारी चीजों को लेकर आम पब्लिक में बहुत बड़ी रोष है। यहाँ रोष देखने का कारण भी मिला, फिर भी जेडीयू प्रत्याशी चुनाव जीत गए बहुत कम अंतराल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको किसी भी प्रकार की न्यूज, शिक्षा से जुड़ा हुआ, या किसी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करते हैं, या किसी भी प्रकार से, तो आप मेरे चैनल पर एग्जाम टूर पर जुड़कर लाभ उठा सकते हैं। सभी प्रकार का न्यूज यहाँ पे जुड़ा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।